चलो आज देखते हैं कि हम लोग जीबीएस की फाइल इसमें कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले जीबीएस की फाइल हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दी ओवीजे में, और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने में फाइल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी देखोगे तो प्रॉपर्टी में कितना है, ये आपका गणेश जी का मॉडल है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा। तो इसी में आपको एक छोटा सा शॉर्टकट और बताता हूँ, ठीक है, कि अगर हम लोग ऐसा कुछ काम करें, मेरे पास अभी ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ है, वो समझ में नहीं आता, ठीक है। मैं देखो माया में भी यहाँ पे करता हूँ, माया में कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, गोल 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 घूम रहा है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, गणेश जी स्टैचू को एक बार जीवस मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। ये लाइक प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को समझोगे। नहीं देखो यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास अभी जो भी मेरे पास मॉडल है, ये वही मॉडल है ना। यहाँ पे क्या किया, लाइक मैंने जेट प्लगइन पे गए, जेट प्लगइन पे गए, यहाँ पे स्केल मास्टर सब टूल मास्टर यहाँ पे मर्ज कर दिया। मर्ज करने में ये सब कुछ एक ही लेयर में मर्ज करने वाला है, ठीक है। मर्ज एंड डिलीट एक्स्ट्रा सब टूल यहाँ पे दो सौ ऑप्शन बताता हूँ। अभी क्या हुआ, इससे पहले मैंने आपको जो मर्ज बताया था, मर्ज में क्या था, उसमें सब कुछ को रखने के बाद एक नए लेयर पे मर्ज कर देता। अभी यहाँ पे क्या है कि सबको एक लेयर में मर्ज करेगा, मर्ज करने के बाद उसमें बाकी चीज को डिलीट कर देगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सब टूल के अंदर, एक ही लेयर बन गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो हम लोग यहाँ पे एक मर्ज का हम लोग जान लेंगे, मर्ज करने कैसे क्या काम करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, मैं आपको एक दो चीज़ और भी बताया था। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनेज करना है, तो यहाँ पे क्या होता है डेसिमेशन मास्टर। डेसिमेशन मास्टर क्या करता है कि भाई आपका जो मॉडल है, अभी मॉडल में ऊपर अगर पॉलीकाउंट देखो तो आपको ऊपर पॉलीकाउंट दिख रहा है कि यहाँ पे देखो पॉलीकाउंट कितना है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉलीकाउंट है, पॉलीकाउंट में इतना देखो एक्टिव मेमोरी कितना है यहाँ पे, ठीक है, फ्री स्पेस इतना है, ये सब कुछ आपको स्क्रैच फाइल इतना दिख रहा है। अभी यहाँ से इस फाइल को मैंने भी एक्सपोर्ट किया था, तो जिसको अभी जिसकी प्रॉपर्टी अभी कितनी दिख रही है यहाँ पे, ये देखो आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी 1.67 GB। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको लाइट करना है। तो लाइट करने के लिए जेट प्लगइन पे गया, डेसिमेशन मास्टर, मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे जो मॉडल चाहिए वो 150K पॉइंट्स में काम चल जाएगा। तो मैंने क्लिक किया और अभी सभी मॉडल को वहाँ पे देखो, देखे ऊपर मर्ज्ड पीएम 3D चेडिस्पेयर, ये डॉट 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 यहाँ पे काम चल रहा है, और ये सारे मॉडल को एक लो में मैनेज कर देगा, ठीक है। तो लो में मैनेज कर, तो इतने ही पॉलीगन के अंदर वही सेम डिटेलिंग के साथ इतने पॉलीगन के अंदर मॉडल को रेडी कर देगा। तो कभी ऐसा लगे कि अगर आप काम कर रहे हो और आपके काम में आपको ये मॉडल लेके जाना है, फिलहाल में डायरेक्ट, वैसे तो इसका लेके जाने का दूसरा प्रोसेस भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जीबीएस का मॉडल ही हमें लेके जाना है, तो वहाँ पर हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने पॉलीगन को कम कैसे करें, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी सेम का सेम रहे, लेकिन इसको कम करने का प्रोसेस, देन उसके बाद आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके पास यहाँ पे दिखेगा। देखिए यहाँ पे अभी देखो, अभी मैं एक बार फिर से इसे एक्सपोर्ट करके देखूँ यहाँ पे, तो मैंने इसे एक्सपोर्ट किया, ठीक है, गणेश जी करके मेरे पास यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया 150K करके सेव कर दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑरेंज जो लाइन जा रही है बता रही है कि ये आपका स्टार्ट हो चुका है, अभी एंड होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चीज़ों को देखेंगे कैसे क्या काम करना, चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे राइटिंग ओवीजे, अभी ओवीजे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले कि भाई चीज़ों को मुझे किस टाइप से मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है। तो जहाँ ये एक्सपोर्ट हो गया, अभी ये एक्सपोर्ट होने के बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पे टाइम दिखा देते हैं भाई, इतना टाइम लगना है, कितना टाइम बचा हुआ है, ठीक है, और कितना टाइम आपका लगने वाला, देखना 25, 26, 27, 28 एंड डन हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस चेक करें, यहाँ पे अगर देखें तो गणेश जी यहाँ पे 150K, अभी कितना है, देखो यहाँ की प्रॉपर्टी कितनी थी 1.67 GB, यहाँ पे कितना है 1 GB, तो यहाँ पे चीज़ें कम हुई, ठीक है। आप इसको और भी कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है हमारा डेसिमेशन मास्टर के, कि आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो।